गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर गिरीशा सिंह, व्याख्याता लोक प्रशासन, संस्कार भारती पीजी कॉलेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए पास किए के दोनों प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि हमारा लोक प्रशासन के तत्व पेपर है, इसमें आपके जो ये फर्स्ट पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, इसमें आपके तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या खंड ए, खंड ब और खंड स। तो सबसे पहले हमने पढ़ेंगे लोक प्रशासन के तत्व में सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए में कितने आपके टॉपिक्स आते हैं। तो सेक्शन ए में आपका लोक प्रशासन का लोक प्रशासन की प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन के अर्थ प्रकृति और क्षेत्र के साथ में नहीं पढ़ेंगे। के बाद लोक प्रशासन के दो पार्ट होते हैं, एक तो लोक प्रशासन निजी रूप में किस प्रकार का होता है और निजी क्षेत्र में किस प्रकार का होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोक व निजी प्रशासन, लोक व निजी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या गुण होते हैं, उनके क्या दोष होते हैं, इन सभी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। फिर हम आते हैं लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में इसकी क्या महत्वता है। सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके उस क्षेत्र में ये क्या इंपॉर्टेंस हमें रखता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में तथा लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, जैसे कि राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इन सभी विषयों के साथ में इसका किस प्रकार से संबंध है वो हम आगे बढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स समाजशास्त्र सोशियोलॉजी कानून लॉ
साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से संबंध। तो ये बात हुई हमारे सेक्शन ए में, मतलब खंड सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट होता है सिलेबस आपका जो लोक प्रशासन में बंद है उसके सेक्शन ए में ये आपके टॉपिक आएंगे जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर हम सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में जाते हैं। सेक्शन बी या खंड ब, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर का, उसमें सेक्शन ए में से दो क्वेश्चन, सेक्शन बी में से दो क्वेश्चन और सेक्शन सी में से दो क्वेश्चन, मतलब आपके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको टोटल सिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से आपको तीन क्वेश्चन चॉइस करके करने होते हैं। सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे संगठन के सिद्धांत, संगठन का औपचारिक संगठन जिसमें संगठन कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक संगठन किस प्रकार का होता है, अनौपचारिक संगठन किस प्रकार का होता है, साथ ही केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, स्टाफ, सूत्र, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन बी में संगठन के सिद्धांत। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रशासन में आदेश की एकता किस प्रकार से होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आदेश की एकता। इसके पश्चात है नियंत्रण की सीमा या नियंत्रण का क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। फिर हम आते हैं सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण। पर्यवेक्षण प्रत्यायोजन निर्णय निर्माण एवं लोक संपर्क। उसके पश्चात आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, निर्णय निर्माण एवं लोक संपर्क के बारे में इस सेक्शन में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद
इसके पश्चात आता है सेशन सी जो हमारा अंतिम खंड है। सेक्शन सी में आता है कार्मिक प्रशासन, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्मिक प्रशासन का मतलब होता है कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उनके बारे में इस कार्मिक प्रशासन में अध्ययन किया जाता है कि कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है, उनका प्रशिक्षण किस प्रकार किया जाता है, प्रशिक्षण के बाद उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं, उनको पदोन्नति किस प्रकार से दी जाती है, उनको सेवानिवृत्ति लाभ किस प्रकार से दिया जाता है, वो हम कार्मिक प्रशासन में पढ़ते हैं। इसमें हम नौकरशाही कार्ड, वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, लोक सेवकों की पदोन्नति, प्रशासन में मनोबल, मनोबल एवं अभिप्रेरणा। तो इसी प्रकार सेक्शन सी में कार्मिक प्रशासन, जिसमें हम उसकी अर्थ, प्रकृति, लोक सेवकों का वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा प्रशासन में मनोबल और अभिप्रेरण को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, या कर्मचारी या अधिकारियों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र था वो लोक प्रशासन के तत्व, जिसमें हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों के बारे में आपको सविस्तार मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है। अब आती है सेकंड बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जिसका नाम है भारत में लोक प्रशासन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेकंड पेपर है आपका भारत में लोक प्रशासन। भारत में लोक प्रशासन इसमें भी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि तीन सेक्शन होते हैं पर पेपर में, एक पेपर में भी तीन सेक्शन होते हैं, और दूसरे पेपर की बात कर रहे हैं इसमें भी तीन ही सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन ए जैसा कि हमने फर्स्ट पेपर लोक प्रशासन के तत्व में पढ़ा था, उसी प्रकार से लोक प्रशासन भारत में लोक प्रशासन इसका भी सिलेबस उसी के प्रकार तीन सेक्शन में डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए में हम आ जाएंगे भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, इसके बाद हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इसके पश्चात केंद्रीय सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके भारतीय प्रशासन की विशेषताएं संघ की कार्यपालिका जिसमें हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आता है हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम गृह मंत्रालय कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन एवं कार्य एवं उसके कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। का संगठन कैसा होता है, उसकी कार्यपद्धति कैसे होती है, कार्मिक निवेशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के। इसके पश्चात वित्तीय प्रशासन पढ़ेंगे हम। प्रशासन में बजट का निर्माण इस प्रकार होता है, बजट का संशोधन अनुमोदन कैसे होता है, बजट का संसद में अनुमोदन बजट का क्रियान्वयन इस प्रकार होता है, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार सेक्शन बी में हम गृह मंत्रालय जिसमें कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन एवं कार्यक्रम, वित्तीय प्रशासन जिसमें बजट का निर्माण, बजट का संसद में अनुमोदन और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसका कार्य क्या होता है, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके पश्चात सेक्शन सी जो कि इसका इस पेपर का लास्ट सेक्शन है। इसमें भारतीय लोक सेवकों का वर्गीकरण
भारतीय लोक सेवकों का वर्गीकरण अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रशासन पर नियंत्रण किस प्रकार होता है, प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। प्रशासन पर तीन प्रकार के नियंत्रण होते हैं, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण। इसी के साथ प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग एवं सरकारी आयोग सरकारी आयोग के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन विषय में दो पेपर हैं, लोक प्रशासन के तत्व एवं भारत में लोक प्रशासन, जिसके सिलेबस के बारे में, जिसमें दोनों प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हमारा पेपर होता है, दोनों पेपर होते हैं, वो कितने मार्क्स के होते हैं। तो आपके 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। 200 में से आपके दोनों प्रश्न पत्र को विभाजित किया गया। इस प्रकार आज हमने सिलेबस के बारे में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट पेपर जो है लोक प्रशासन के तत्व, उसका जो सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।